अस्सलाम वालेकुम। फेमिनिज्म और इस्लाम इस फील्ड का टॉपिक। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म मर्दों और औरतों के बराबर के हकूक हैं, या ये कह लें कि ये तहरीक शुरू तो इसीलिए की गई थी कि मर्दों को वही हकूक मिलने चाहिए जो औरतों को मिलेंगे, या औरतों को भी वो हकूक दो जो मर्दों को देते हो। लेकिन क्या ये बात सही है? अगर आप फेमिनिज्म की तारीख उठाएं तो ये तहरीक शुरू इसलिए हुई थी कि औरतों को मर्दों के बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। क्या आप ये चीज़ जानते हैं कि अमेरिका में आज भी सिन्फ की बुनियाद पर औरतों को मर्दों से कम तनख्वाह दी जाती है? बड़ी हैरत की बात है, जो आज़ादी का लिबरलिज्म का चैम्पियन है उस मुल्क में भी ये होता है। अब आ जाए इस्लाम की तरफ। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम आपको ये कहता है कि औरत को विरासत दो। इस्लाम ये कहता है कि अगर औरत को उसके बाप की तरफ से पैसे मिलेंगे तो वो पैसे उसके हैं, वो पैसे उसके शौहर के नहीं हैं। लेकिन अगर औरत के शौहर को पैसे मिलेंगे तो जाहिरी बात है शौहर को बीवी पैसे खर्च करने हैं। इस्लाम आपको ये भी कहता है कि अगर बीवी घर में काम करने के एवज आपसे उजरत तलब करे तो आपको उजरत देनी पड़ेगी। अगर बीवी ये कहे कि मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत नहीं करूँगी तो आप डंडे के ज़ोर पर उससे माँ बाप की खिदमत नहीं करवा सकते। पहली चीज़ ये समझ लें कि बहुत से हमारे ऐसे भाई जो पाकिस्तानी माशरे को इस्लामी माशरे की तौर पर देखते हैं, ऐसा है नहीं। पाकिस्तान का माशरा हिंदुस्तान की कल्चर से बहुत ज़्यादा मुंसलिक है। हमारे अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तानियों में हैं, होनी चाहिए थी और वो हमारे में आ गई, और जो मज़हब इस्लाम की चीज़ें हैं वो हमने अडॉप्ट नहीं की। हम लोग आज भी जहेज देने की बात करते हैं, विरासत देने की बात नहीं करते। हम आज भी बेटी को बोटी का वो हिस्सा देते हैं जो हम बेटे को नहीं देना चाहते। हम आज भी बेटे के लिए कपड़े नए और बेटी के लिए कपड़े नए भी हों तो सस्ते ढूंढते हैं। हमारे माशरे में आज भी ये कहा जाता है कि बेटी ही तो है पराया धन, इसने तो चले जाना है। हालांकि दर हकीकत होता यह है कि आखिर में वो बेटी ही होती है जो माँ बाप का थोड़ा बहुत ख्याल रख पाती है, क्योंकि बेटे तो अपने चक्रों में पड़ जाते हैं। तो फेमिनिज्म क्या है? क्या फेमिनिज्म मर्दों के खिलाफ है? क्या फेमिनिज्म का मुराद यह है कि आप कपड़े उतार के बाहर घूमना शुरू कर दें? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेमिनिज्म की तहरीक को भी उन सुर्खों ने और उन अंटियों ने और उन मोमबत्ती माफिया ने हाईजैक कर लिया, जिनको पहले से ही वो सब कुछ हासिल है जो उनको चाहिए, या उस सब चीज़ों को हासिल करने और हासिल करने के बाद उन चीज़ों को मेंटेन करने की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को पूरा करने के लिए वो किसी के एजेंडे पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो कि आपको औरत मार्च में भी नजर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान में होने वाले ड्रोन हमलों के ऊपर उठने वाली आवाज़ का साथ कभी नहीं देंगे। ये वही अंटियाँ हैं जो हर जगह पर मोमबत्तियाँ लेके खड़ी हो जाती हैं, लेकिन इन अंटियों ने कभी इस चीज़ के ऊपर बात नहीं की कि जनाबे वाला, अगर इस मुल्क में बहुत सी बच्चियाँ हैं जिनकी शादी नहीं हो रही तो हमें कैसी तहरीक चलानी चाहिए कि ऐसे लोग जो दूसरी बीवी को अफोर्ड कर सकते हैं उनकी शादी कर दो। अगर ये बात आप करेंगे तो आप पे फतवा लग जाएगा, लेकिन ये फतवा अनफॉर्चुनेटली हम जैसे नॉर्मल और बीच के लोगों के लिए दोनों साइड से लगता है, राइट एंड लेफ्ट। अगर आप ये कह दें कि औरतों को सब कुछ सही होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो भी प्रॉब्लम। अगर आप ये कहें कि जनाबे वाला औरत को सब कुछ मिलना चाहिए मगर घर की दहलीज के अंदर बैठ के, तो भी प्रॉब्लम। यानी कि आप बीच का कोई रास्ता निकाल नहीं सकते, या तो आप फेमिनिस्ट होते हैं या आप एंटी फेमिनिस्ट होते हैं। एक चीज और, पाकिस्तान में फेमिनिज्म बदनाम क्यों है? सोचें इस बारे में। फेमिनिस्ट खवातीन जो फेमिनिज्म का नारा मारती हैं, अगर आप उनके बारे में रिसर्च करें तो आपको वो लोग कैसे कौन मिलेंगे? फरजाना बारी, एक वो टिक्की वाली हैं जो सर पे टिक्की लगाती हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में लिबरलिज्म के नाम पर लिटरली पार्टियां करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं खुलेआम, इनकी तस्वीरें पड़ी हुई हैं।
इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है। ये गेज एंड लेस्बियंस के राइट्स के ऊपर बात करते हैं, ये गैर ममालिक की एम्बेसीज में जो पार्टीज होती हैं इस तरह की उनके अंदर जाते हैं, और इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन्हें क्या कहते हैं। बल्कि अगर आप इन्हें कुछ ज्यादा कहें तो ये बड़े फख्र से कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल हाँ है, जो करना है कर लो। अब जो असल तहरीक थी कि औरत को मर्द के बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो जो पॉइंट था वो पीछे रह जाता है, क्योंकि लोग इनके इन चीजों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। अगर कोई शख्स, कोई औरत उठ के ये कहे कि एक औरत और एक मर्द को तनख्वाह बराबर मिलनी चाहिए, तो मैं शर्जील अमान सबसे बड़ा फेमिनिस्ट हूं। लेकिन अगर एक औरत ये कहे कि क्योंकि एक मर्द कमीज उतार के भी घर से बाहर खड़ा हो सकता है, तो औरत को भी इस चीज की इजाजत दो कि वो भी कमीज उतार के घर के बाहर खड़ी हो जाए, तो फिर मैं एंटी फेमिनिस्ट हूं। बात सिर्फ इतनी है, हकूक मगर क्या, मांगते क्या हो, चाहते क्या हो। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी रेटिंग्स के लिए टीवी के ऊपर कुछ भी कह दिया जाता है। ताज़ा वाकया सरवत गिलानी साहब के साथ हुआ, जहां पर उन्होंने ये कह दिया कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं लेकिन मैं औरत और मर्द को बराबर समझती हूं। तो जो होश खातून है उन्होंने कहा यही तो फेमिनिज्म है। तो बीबी, बराबरी क्या, ये आपको डिफाइन करना है ना। अगर सैलरी बराबर, यस। अगर राइट्स बराबर, वोट डालने का राइट, शनाख्ती कार्ड लेने का राइट, ट्रेवल करने का राइट, नौकरी करने का राइट, एजुकेशन लेने का राइट, बिल्कुल 200% हेल्थ का राइट, औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं है। मेरा मजहब ये कहता है कि मर्द हो या औरत, उसको तालीम हासिल करनी चाहिए। मेरा मजहब तो किसी चीज से रोकता ही नहीं है। लेकिन ये जितने भी फेमिनिस्ट खातून हैं, खवातीन हैं, ये सब एंटी इस्लाम तो रहती हैं, ये एक फैक्ट है। ये मुल्ला के खिलाफ बोलेंगी, ये इसके खिलाफ बोलेंगी, ये उसके खिलाफ बोलेंगी, और यहीं तो प्रॉब्लम सारी खड़ी हो जाती है। आप अपने एजेंडे के चक्कर में या डॉलर कमाने के चक्कर में जो दर हकीकत फेमिनिज्म का रूट रीजन है एग्जिस्टेंस का, उसके ऊपर आप बात ही नहीं करते। आप इसके ऊपर तो बात नहीं करते कि जनाबे वाला, औरतों को तालीम के बाद रोजगार के मौके मिलने चाहिए, ऐसी तंजीमें होनी चाहिए, ऐसी कोई मिनिस्ट्री होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ औरतों के ऊपर काम करे कि औरतों को ना सिर्फ उनके हकूक मिले बल्कि उन्हें नौकरी मिले। जब औरत खुद मुख्तार होगी, उसके पास पैसा होगा, तभी तो वो बराबरी के लेवल पे आएगी आपके। लेकिन ये क्या करती हैं कि जी लड़के रात को 2 बजे तक बाहर घूम रहे हैं, तो औरत को भी आजादी दे दो। लड़का सिगरेट पी रहा है, लड़की को भी आजादी दे दो। लड़का शराब पी रहा है, लड़की को भी आजादी दे दो। लड़का अपनी कमीज उतार के पूरे पाकिस्तान में घूम सकता है, औरत भी घूम के दिखाएगी, और यहीं पर सारी बात खराब हो जाती है। फेमिनिज्म अच्छी चीज है, हर चीज अच्छी होती है जब तक लिमिट में होती है। जब आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो हर अच्छी चीज बुरी हो जाती है। मैं शर्जील अमान, आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरी बात से एग्री करें कि वाकई फेमिनिज्म का असल मकसद इन औरतों ने फौत कर दिया है जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो कमेंट देकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम।